जब स्टंट्स एंड एक्शन की बात की जाए तो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो कभी आपने प्रॉब्लम्स फेस की कि लोग कह रहे हैं अरे तू तो लड़की है तू ये नहीं कर पाएगी? क्या फेस करना है, ये तो हर जगह ये कंपटीशन है लाइफ तो ऐसा मैंने बहुत लड़कों को चांस दिया ही नहीं है। लॉट ऑफ विमेन ऑलरेडी माइट बी स्ट्रगलिंग विद डोमेस्टिक वायलेंस जैसे आपने फेस किया, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? हम एक कारपेंटर है, अपनी लाइफ को घस घस के बनाए, घस घस घस। अच्छा कारपेंटर निकल गया तो अच्छा बन जाएगा, थोड़ा निकल गया तो टूटा फूटा बन जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक औरत हो, चाहे कितनी भी खुश हो अपनी लाइफ में, लेकिन उसको एटलीस्ट 80% इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो आप कौन सी सुपर पावर चाहेंगे और क्यों? मैं सुपर पावर ये चाहूंगी जो लोग कैंसर, जो लोग बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, उनको एक हाथ रखूं उनके सर पे और वो प्रॉब्लम को ऐसे करके बाहर निकाल लूं। हैशटैग बिकॉज शी कैन। आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है उसकी सिग्निफिकेंस? शी कैन मतलब हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी और मैं करके ही रहूंगी। Welcome everyone to a supercharged and action-packed episode on the Because She Can podcast. I'm Stuti, your host for today. Are you someone like me who loves Bollywood and is super entertained by the larger-than-life action stunts shown in our movies? Ever wondered who are the real unsung daring souls who perform these stunts for our stars? Let's get ready for a fun-filled, enthralling chat with Geeta Tandon, a fearless stuntswoman who has gained immense popularity by performing stunts for leading actors such as Deepika Padukone, Alia Bhatt, and Katrina Kaif, to name a few. She truly defies fear and epitomizes bravery. Welcome, Geeta, to the Because She Can podcast. We literally, today we're not in the studio, but we have a superwoman poster in our Because She Can studio. And we literally have our real-life Indian superwoman, Geeta, today Thank with you. Us on the Because She Can podcast. And I'm very excited to have this amazing conversation with you. So, Geeta ji, my first question is for you. Ki stunts woman, this is a very unique career option. We are in 2023, mein hai, but phir bhi most of the Indian kids, Indian girls want to be doctors, engineers, lawyers. But आपने इतना unique career path कैसे choose किया? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि ये तो तुम लोग जो Wonder Woman का वो बोलते हो ना कि गीता टंडन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी अगर ये पूछ रहे हो career choice, वो करते जो जो family वाले लोग होते, बड़ी बड़ी family वाले, पढ़े लिखे पैसे वाले लोग, जो बेचारे वैसी फैमिली से इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो हम लोग कहाँ इधर चॉइस वॉइस लेंगे। हमको तो जो मिला उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो वैसे ही मेरे पास चॉइस नहीं था, मुझे काम चाहिए था, तो मैंने मेरे हिस्से में यही काम आया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो भाई, अपनी एक पैरों पे खड़े होने का एक यही मेरे पास जरिया है, इसको मैं आगे बढ़ाऊं। तो मुझे ऐसा लगे कि मैंने लाइफ में कुछ किया है। ये आपने बहुत सच बोला है, इट्स द हार्श ट्रूथ एंड रियालिटी। पर स्टंट्स वुमन के लिए बहुत एथलेटिक होना पड़ता है, यू हैव टू बी वेरी स्पोर्टी। तो आप बचपन से क्या बहुत खेल कूद में इंटरेस्टेड थे? मैं बचपन से ही बहुत खेलती थी, जैसे गुली डंडा, बैट बॉल खेल लो, गोटियां खेल लो, कलंजी खेल लो। तो मेरा था ही, मैं टॉम बॉय थी बचपन से। वो शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो वो अलग ही लाइफ हो गई थी। थोड़ा बेडर तो मैं पहले बचपन से ही थी, तो काम भी मुझे फिर आगे जाके वो ही मिल गया। तो मैंने इसको बहुत ही दिल से निभाया, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत थी अपने आप को स्टैंड रखने की, बहुत जरूरत थी। क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं है जो डिग्रियां लेके नौकरियां ढूंढ लेंगे तो आज नहीं तो कल हमको नौकरी मिल जाएगी। हमारी तो कोई डिग्री नहीं है, सातवीं आठवीं ऐसा पढ़ाना, वो पढ़ना तो आज के टाइम पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो चॉइसिंग ये सब कुछ हमारे हिस्सों में नहीं है, हमारे हिस्सों में चीजों को बनाना है। हम एक वो है, क्या बोलते हैं, कारपेंटर है, अपनी लाइफ को घस घस के बनाए, घस घस घस।
अच्छा कारपेंटर निकल गया तो अच्छा बन जाएगा, थोड़ा निकल गया तो टूटा फूटा बन जाएगा। बट आपने सच कहा, आप हैं सेल्फ मेड वुमन, यू आर द कारपेंटर ऑफ योर लाइफ। बट ऑल्सो आपने ओपनली बात की है, आपकी अर्ली लाइफ बहुत टफ थी, आपके पेरेंट्स ट्रेजिकली यू लॉस्ट देम एट अ वेरी यंग एज। उसके बाद आपको 15 साल की उम्र में, व्हेन वी आर ऑल चिल्ड्रन, हम तब उस टाइम हमें डिसीजन नहीं बनाया जाता, यू वर फोर्स्ड इनटू अ वायलेंट मैरिज। तो वो कैसा था वो दौरान, एंड आप कैसे उभर के आए टू द अदर साइड? वो दौर ही वैसा था क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं था, शादी करवाना जरूरी था। पहले के टाइम पे ऐसा लगता था कि शादी ही सबसे बड़ा एक डिसीजन है कि एक लड़की को घर मिलके अपनी जिम्मेदारी निभाती रहे। कि अब कभी किसी ने ये पैसी बात तो पहली बार कोई सोचेगा ही क्यों हमारे लिए कि हम पढ़ाई लिखाई कर लें। उनको ऐसा लगा मेरी बुआ लोग को कि शादी कराना ही सही है। तो शादी हो गई, मैंने भी सोचा चल छोड़ना, घर बार भी मिल जाता है, फैमिली मिल जाती है। लेकिन वो बाद में पता चलता है कि ये वाली फैमिलियाँ सब फैमिलियाँ नहीं होती हैं। जैसे जो मैं सोचती थी, मेरा सोच बहुत अलग था। मुझे ऐसे सच्ची में लगता था कि एक पति होता है तो मस्त पति परमेश्वर टाइप मुझे फील होता था। मेरी नजर में तो वही था ना भाई, हाँ फेरी टेल जैसा मैटर, घोड़े पे आएगा, बॉलीवुड रोमांस, हाँ, और मेरे सपने पूरे करेगा, मुझे मुझे लाडों में रखेगा। लेकिन ये सब एक होते होंगे बच्चों के, लेकिन हमारे लिए तो थे नहीं। तो ठीक है, जो भी हुआ वो दौर था, इसलिए शायद आज ये दौर है। मैं तो यही सोच के खुश हो जाती हूँ ना कि क्या पता वो 5-6 साल मुझे स्ट्रगल नहीं होता तो आज ये गीता कहीं बाहर दिखती नहीं लोगों को। शायद ये मेरे आज ये करियर का हकदार है। ऐसा होता है, बट बहुत लोग जब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं वो उससे दूसरी तरफ उभर के नहीं आ पाते। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो दैट पीपल लिसनिंग इन कैन बी इंस्पायर्ड, कि आपको वो अंदर से कैसी क्षमता आई, इनर स्ट्रेंथ, कि मैंने इतना सब देख लिया पर मैं कुछ करूंगी। अब जैसे आपने बोला आपके पास चॉइस नहीं थी, मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी, बट कैसे वो इंस्पिरेशन आई अंदर से? इंस्पिरेशन मतलब मैं आपको बताती हूँ कैसे आई। इंस्पिरेशन बोलो या एक सीख बोलो, मैंने बहुत बचपन से एक चीज देखी है, बहुत मतलब ये औरतें ना या तो खुद कुछ करना नहीं चाहती हैं या जो करती है उनको लोग करने देते नहीं है। तो मैंने बचपन से बहुत सुन लिया था यार एक औरत होती है ना डिवोर्सी, या तो किसी की दूसरी औरत बन के रह जाती है, या तो किसी की एक बड़े आदमी की कीप बन के रह जाती है, या तो लोगों के घर में बर्तन मांज लेती है, या तो वो एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान ये सब नहीं, ऐसा बनाओ मुझे कि मैं एटलीस्ट कुछ लिख पाऊं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मैं बड़ी बात नहीं कर रही, मेरी सोच ही ये थी क्योंकि मैंने बहुत सुना था। मैं जब ससुराल से निकल रही थी, हाँ क्या करेगी 50-50 में बिकेगी और क्या करेगी, बार में नाच रही होगी कहीं ना कहीं कोने में। गॉड, ठीक है वो आदमी का मेंटेलिटी है, वो तो बहुत कुछ बोलता है। तो हम तो है ना वो लेके डिप्रेशन में बैठ जाएंगे, भाई तुझे चैलेंज देती हूँ रे, ये तो नहीं करूंगी, ये तो मेरी मौत पे होगा। करने की कोशिश तो करूंगी ना मेरे भाई, जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगी तब तक मैं अपनी स्टोरी बोलूंगी कैसे? स्टोरी वही होती है जो correct. कुछ कर किया होता है ना। तो इंटरव्यू या अगर हम किसी के बारे में लिख रहे हैं ना तो वही लिखोगे ना आप अच्छी चीज, के भाई ये ना पहले ये थी आज वो ये बनी है। जब तक तुमने कोशिश करके इधर तक नहीं आए तब तक तुम्हारी कौन सी स्टोरी? ऐसे तो करोड़ों औरतें बिचारी पड़ी हैं। तो अपने दिमाग में बचपन से यही था कि नहीं भगवान ये हमेशा ये वाला दौर नहीं रखना चाहती मैं यार, अगर विधवा हो जी तो दूसरी शादी के क्यों, क्या चाहिए, कौन सा सपोर्ट? जब मैं अपनी सपोर्ट नहीं बन सकती तो मैं क्या लाइफ जीऊंगी? मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं लाइफ में बस ऐसा है कि अभी मैं वो ही बन गई हूँ, डैडी बन गई हूँ। कि बेचारे आदमी लोग फैमिली चलाते रहते हैं, होते ना एक पर आई एम श्योर आप सुपर मॉमी रहे हैं, बट आप मतलब आपने लॉट ऑफ विमेन ऑलरेडी माइट बी स्ट्रगलिंग विद डोमेस्टिक वायलेंस जैसे आपने फेस किया, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि इस सिचुएशन से कैसे निकलें? मेरी नजरों में मेहनत, चाहे वो बहुत ही अच्छा परिवार तुमको मिला हुआ है गुड लक,
लेकिन तुम अपना करियर जो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ाया है ना, उसका वेस्ट मत करो यार। उनने बड़े ही पेट काट काट के फीसें भरी हैं, टेंशन पाले, डैडी लोग ने चप्पल घसाई है, टिफिन लेके जाते थे दो रोटी वाला, वो चीजों को भूलो मत। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक औरत हो, चाहे कितनी भी खुश हो अपनी लाइफ में, लेकिन उसको एटलीस्ट 80% इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चाहे वो पैसे, अगर उसके बहुत भगवान की दुआ से पैसे हैं, वो वाले पैसे वो ऐसे लोगों को दे कि उनके दोस्त जो प्रॉब्लम्स में, दोस्त के दोस्त जो प्रॉब्लम में ना, वो उसको दे देना। मुझे आपकी ऑनेस्टी इतनी प्योर और अच्छी लग रही है गीता जी, पर यू नो आप स्टंट्स वुमन है एंड आई एम ऑल इंडिया फेमस है, पर अभी भी जब स्टंट्स एंड एक्शन की बात की जाए तो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो कभी आपने इस करियर में ऐसा प्रॉब्लम्स फेस की कि लोग कह रहे हैं अरे तू तो लड़की है तू ये नहीं कर पाएगी, या लोगों ने आपको जज किया, और आपने उससे हाउ डिड यू फेस दैट? क्या फेस करना है, ये तो हर जगह, अभी मैं कहीं कॉल सेंटर में या कहीं भी काम पे लगी हुई, तो डोमिनेट मैन नहीं होता है, औरतें भी होती हैं यार, ये कंपटीशन है लाइफ। ये कंपटीशन है, अगर हाँ ठीक है कि ये वाले हमारे स्टंट में लड़कियां नहीं है, तो थोड़ा सा एक वो होता है कि लड़का रेडी रहता है कि अगर ये इसने नहीं किया तो फटाफट कपड़े फटाफट चेंज करके मैं कर लूंगा, तो अच्छा, वो एक्ट्रेसेस के लिए भी लड़के कर लेते हैं, पहले से ही लड़के ही करते हैं, लड़कियां तो अब दिखने लगी हैं, वो भी डिमांड है कि अभी ज्यादा पढ़ लिख के आ गए ना लोग, तो डिमांड है लड़कियां चाहिए लड़कियां। पहले पहले ऐसे ऐसे दिखा दो ना अंकल लोग, जो लड़कियों जैसे पूरे डुप्लीकेट हेमा मालिनी श्रीदेवी, इसका उसका मां, रियली 100% स्टोरीज देखो तुम डिस्कवरी में हमारी, मैं करूंगी बिकॉज आई कैन एंड बिकॉज शी कैन। या बट आप इतनी सारी लीडिंग इंडियन फीमेल एक्टर्स फ्रॉम दीपिका पादुकोण टू कैटरीना कैफ टू बिपाशा बासु, आपने उन सबके लिए स्टंट्स परफॉर्म किए हैं, तो हाउ इज दैट, वो हाउ इज दैट फीलिंग, वो सेट पे कैसा होता है? एक्साइटमेंट मतलब कभी कभी किसका होता था, जैसे शाहरुख खान का, अमिताभ बच्चन का। अच्छा, बाकी तो उनके साथ आपने काम किया है? मैंने सिर्फ अमिताभ बच्चन को आज तक नहीं देखा, शाहरुख खान अच्छा। के साथ पिक्चर की है, सर के साथ, अजय सर, बहुत मतलब अक्षय कुमार तो अभी वेलकम बैक ही कर रहे थे हम लोग। अच्छा, वेलकम बैक, एंड वो खुद स्टंट्स परफॉर्म करते हैं अक्षय कुमार। हाँ देखो ना लेटेस्ट उनने इंस्टाग्राम में वो जंप दिखाया, देखो वही वाले सेट की बात है, हम लोग वहीं थे। ओके, ओ वेरी गुड। एंड मैं पूछना चाहती हूँ, कभी कोई बहुत डेंजरस स्टंट परफॉर्म किया तो ऑफ कोर्स नेचुरल है, हम ह्यूमंस हैं, फियर आएगा राइट बिफोर द स्टंट, तो वो आप कैसे मेंटली कैसे उसको बीट करते हो? क्या होता है, डर को हटाना पड़ता है अपन को, मेरा हमेशा से इंटरव्यू में यही रहा है, डर सबको लगता है, बट अगर वो डर से मेरा करियर खराब हो रहा है तो मुझे डर को हटाना पड़ेगा, या तो मैं डर के साथ जीलू या तो उसको हटा के आगे बढ़ जाऊं, अपना तो यही थिंकिंग है। अच्छा, एंड ऐसा अगर हम डर की बात कर रहे हैं एंड ये बिकॉज शी कैन पॉडकास्ट है, तो ऐसा कोई स्टंट था विच यू फेल्ट आई कांट, मैं नहीं कर सकती, बट आपने किया एंड देन यू वर लाइक बिकॉज शी कैन, तो वो कौन सा स्टंट था हमें बताइए प्लीज। देखो मेरा एक, ये तो ऑनेस्टी नहीं है, मेरे एक फेवरेट स्टंट तो सारे ऐसे ही हैं फेवरेट, और ऐसे बहुत से हैं, जैसे फायर शॉट दे दो, कभी पानी का शॉट होता है तो मुझे कभी कभी लगता है नहीं यार मना कर दूं, लेकिन जब मैं करके निकल जाता हूँ तो ऐसा लगता है अच्छा हुआ अरे भाई कि नहीं मना किया, नहीं तो क्या होता है 10 अच्छा कर लो एक बुरा कर लो तो वो 10 भूल जाते हैं लोग, वो एक को याद रखते हैं, वो तो हर जगह लाइफ में। बट एक बात बताइए, ये ऐसी इंडस्ट्री है कि यू हैव टू बी यंग एंड फिट, तो ऐसा कुछ होता है कि दैट बियॉन्ड अ सर्टेन एज आप फिजिकली जैसे स्पोर्ट्स भी नहीं खेल सकते, सो आई एम सीइंग स्टंट्स आल्सो लाइक अ स्पोर्ट, ऐसा कुछ होता है? स्पोर्ट्स अलग होता है, एक्शन अलग होता है। हाँ, एक्शन के अंदर वो स्पोर्ट्स की चीजें डलती है, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर एक्शन की चीजें नहीं डलती, ऐसा है। करेक्ट, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम कितना फिट रह सकते हो, एज 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 का मैटर नहीं करता है, अपने आपको, जैसे कोई कोई बच्चों के बाद मोटी हो गया, भी वो दीदी मोटी हो गई है बहुत, वो ऐसा होता है,
अपने आप को तुम 50 तक पतले रखो, स्लिम रखो, स्मार्ट रखो, शक्ल तो ना आनी है, करना तो डुप्लीकेट ही है हमको. तो फिट रहने के ऊपर डिपेंड है. इसी बहाने हम ना, इसी बहाने हम फिट भी रहते हैं. यही अगर हम हाउस वाइफ होते ना, तो फुकट में इधर उधर फैले होते, ले मीठा खा रहे है. अब हर चीज का लिमिट है भाई, मोटे होना नहीं है क्योंकि करियर और चलाना है ना आगे. कोई स्पेशल डाइट होती है, इतने सारे अंडे खाने, इतना दूध पीना, ऐसे कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये अंडे शंडे, अच्छा खाना खाओ, टाइम पे खाना खाओ, खाना कम, प्रोटीन चीज, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, घी खाओ, घी घी में खाना डाल के दूध पियो, बादाम काजू खाओ, खजूर खाओ, फल खाओ. शूटिंग पे खाना अच्छा नहीं है तो खाना मत खाओ, तो फ्रूट खा लो, बादाम काजू खा लो, ऐसा खाना. क्योंकि शूटिंग का खाना थोड़ा सा होता नहीं है, थोड़ा पेट के लिए ठीक नहीं होता है. तो या तो अपना हाँ, तो ज्यादा भूख लगी तो उधर का दाल चावल होता है वो खा लो, ऐसा. खाने पे थोड़ा ध्यान देखना पड़ता है बस. एंड मतलब इतना हमें इतना एक्साइटिंग लगता है आप जैसा काम करती हैं, तो हमें थोड़ा बताइए, मतलब व्हाट डज अ डे लुक लाइक इन योर लाइफ एज अ स्टंट्स वुमन ऑन सेट. अगर डे की बात की जाए तो सुबह उठो, शूटिंग नहीं होती तो आराम से उठो 10 बजे, नाश्ता करो दबा के, फिर दोपहर आते थोड़ा बहुत घर का काम कर लो, फिर जिम विम चले जाओ, प्रैक्टिस वैक्टिस कर लो, फिर मस्त सीरीज वीरीज देखो जिस जिसमें काम किया है, और सो जाओ. कभी कभी जिस दिन काम होता है, जिस दिन काम होता है तो टाइम ही नहीं है ना, 6 बजे हाँ. कभी निकलना पड़ता है, कभी 5 बजे निकलना पड़ता है, तो रात को 10-11 ही बज जाते आते आते. फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, हाथ मुंह धोएंगे, खाना खाना है खाएंगे, नहीं खाना तो सो जाएंगे, ऐसा. और ये सारे स्टंट्स मुंबई में ही होते हैं इन द स्टूडियोस, की कभी इंटरनेशनली सेट्स पे भी ट्रैवल किया है, कैसा होता बहुत है? बहुत यार, लखनऊ, भोपाल, जम्मू, दुबई, साउथ अफ्रीका, बैंगलोर, मैंगलोर. पहले वहां पर शूटिंग्स बहुत होती थी, जैसे अभी भोपाल, लखनऊ, इलाहाबाद, जयपुर. अच्छा, ओके. एंड मैं पूछना चाहती थी, आपके 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एंड यू आर अ वर्किंग मॉम. छोटे नहीं है, बड़े हो गए. अच्छा, कितने बड़े हो गए अब? 15. एंड पहले जब छोटे थे आप काम करते थे सच लॉन्ग आवर्स, एंड यू आर अ सिंगल मॉम, तो आपने कैसे मैनेज किया दोनों चीजें? मैं खुद अभी अभी सोचती हूँ ना, ऐसा डर लग जाता है कि मैंने मैनेज हो गया क्या यार. कैसे किया? नहीं, मतलब बहुत, एक दो बाजू वाले अच्छे थे तो मैं ताला मार के जाती थी, खाना वीना बना के जाती थी, बार बार बाजू में फोन करती थी, फिर बजट थोड़े पैसे आए तो बच्चों को भी एक छोटा फोन लेके दिया कि क्या करो, चलो सो जाओ. मतलब मैंने बहुत थोड़ा बच्चों के साथ वो किया, बहुत ज्यादा, मतलब उनको एक होता ना कि लाड वाड का थोड़ा टेंशन है कि काम ध्यान दो, खाना बनाओ आके, फिर आने के बाद सफाई करो, फिर ऑफिस कल का प्रिपरेशन करो. तो ये बोलते ना कि जद्दोजहद में पता ही नहीं चला यार, बच्चे बड़े हो गए तो भी ट्रू, टाइम बहुत अच्छा अच्छा निकल गया, टाइम भगवान ने निकाल दिया. भगवान ने निकाल दिया. एंड आई फील आपकी रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ थी जो आपने सब कुछ मैनेज किया. यू नो, मैं सोच रही हूँ आपके करियर में एक टर्निंग पॉइंट था जब आप खतरों के खिलाड़ी में गए, तो वो बताइए, वो एक्सपीरियंस आपने कैसे इनरोल किया जाने के लिए फॉर द रियलिटी शो, वो शो का एक्सपीरियंस कैसा था? खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस, मतलब पहले हमने उससे पहले एक शो किया था इंडिया के जाबाज जो ऑन एयर नहीं हुआ. तो उसके कुछ लोग, उधर स्टंट बहुत हार्ड थे, उधर तो रियल स्टंट थे हमारे, वो किसी वजह से बंद हो गया. तो उधर का एक बंदे ने मुझे अप्रोच किया कि गीता तू इस फियर फैक्टर करेगी क्या? मैं, फियर फैक्टर क्या है भाई, मैं क्या बात कर रहा, जब मुझे समझ आई फियर फैक्टर वो ही जो मैं टीवी में देखती हूँ. मैंने हाँ यार क्यों नहीं करूंगी यार, क्यों नहीं करूंगी. तो इस चक्कर में उसने मुझे बुलाया, इंटरव्यू हुआ मेरा, मैं पहले में ही सिलेक्शन हो गया. पता ही नहीं मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट पता ही नहीं चले कब आए, मतलब गॉड गिफ्ट है आए. मस्त, मैं साउथ अफ्रीका गई, जाके आ गई, लॉन्च हो गया, सब कुछ हो गया. लेकिन तो भी मैं यही काम करती हूँ फाइट का, क्योंकि बहुत से लोग बोलने लग गए कि अभी तो रियलिटी में आ गई तो तू अभी फाइटर का काम छोड़ दे, अभी तू ना बड़ी बड़ी जगह अप्रोच कर. मैं चुप ना, बड़ी बड़ी जगह अप्रोच के चक्कर में जो दाल रोटी चल रही है वो भी बंद कर दूं क्या? मैं हीरोइन थोड़ी ना बन गई, आप हीरोइन बन गए क्या? नहीं ना, तो भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा.
चलते चले गए. बहुत सेंसिबल चॉइस आपने की, क्योंकि जब फेम आता है तो बहुत लोग भूल जाते हैं, पर आप ग्राउंडेड रहे एंड आप सेंसिबल रहे. और इसी पे मुझे आपसे पूछना है दैट इफ देर आर यंग वुमेन लुकिंग अप टू यू, आपके जैसा काम करना चाहती हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगी? आओ अपना माइंड को पूरा सेट करके आओ कि करना है तो यही करके आगे बढ़ना है, क्योंकि यही करना है तो ही आओ, नहीं तो फिर टाइम पास मत करो, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरे भी होते हैं, जान के खतरे भी होते हैं. ऐसा नहीं बोल सकते नहीं होते. मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हुआ है, मुंह जला है मेरा, इधर से जला पूरा पूरा मुंह जला है, आईब्रो ये सब जो दाग है. मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हुआ है, टेलबोन फ्रैक्चर हुआ है मेरा, L5 L4 फ्रैक्चर हुआ है. मतलब आना है ना तो एग्जैक्टली सोच लो लाइफ में क्या करना है, पूरा पहले सीखो फिर आओ. टाइम पास खाई, पैसे दिख रहे तो मत आओ. पर पेन होता है, बहुत होता है. आपने कैसे किया, आपने कैसे किया? मैंने ना कभी कभी करियर के आगे किसी को इम्पोर्टेंट दिया ही नहीं. बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत दर्द बर्दाश्त किया है कि ना खड़ा नहीं हो जाता था, लेकिन मैंने उसको एहसास नहीं दिलाया कि मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा. ये मेरी प्रॉब्लम है, ये भगवान ने एक औरतों को ही दी है ना, तो हम उसको नजायज फायदा नहीं उठाने वाली. बहुत से बोलते थे अरे बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा, मैं हाँ 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 जब तक खड़े हो सकती थी मैं खड़े होती. ये हक है लड़कियों का, लेकिन इंडस्ट्री गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि छुट्टी दे दे. यहाँ पर तो ऐसा जब तक चल रहा है अच्छा चलता है, जब बैठते घर में तो दो दो चार चार महीने भी बैठ जाते. दर्द होता है, बहुत होता है बेचारियों को. तो ठीक है, बट ये इंडस्ट्री को फिर वो हो जाएगा, अरे छोड़ यार, उसका मन थोएगा, छोड़ यार. जब काम है सेट पे जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा तो मना कर दो, तुम्हारी जगह बहुत जने पड़े आने के लिए. तो ये एक चीज है बस औरतों की महीने वाली. तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि जब भी मंथ होता था ना तभी तभी काम आता था मुझे ज्यादा. फिर मैं बोलती थी चलो भगवान आप ये देख रहे होंगे कि तू कर पा रही है नहीं, लेकिन रुको मैं करके आती. ऐसा सीधा कॉम्पिटिशन भगवान को देती हूँ, भगवान को कॉम्पिटिशन दे देती हूँ. वो आपके भगवान एंड उनके फेथ पे ही आई थिंक आपकी ये लाइफ इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुई है. ये अपन बात बोल सकते हैं, बोलते ना कि दिल में ना सच्चाई वाला कुछ हो ना कुछ भी, तो ऐसे ऐसी चीजें मिल जाएगी ना कि तुम अपनी फ्यूचर में लोग घसते रह जाते नहीं सोचते. एक सच्चाई होती ना, सच्चाई अपने आप से रखो. मैंने अभी भी बोला अपने आप से, जिस दिन अपन एकदम ईमानदार रहे ना, तुम हम दूसरे से भी उससे डबल रही है. कर्मों का खेल, कर्म ही है जो गीता में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है. Yes. सब में एक ही चीज लेके है, कर्मों से खेलो, क्योंकि इसके आगे कर्म ही दुनिया Yes. चलाने वाली है, हम नहीं चला. भगवान ने भी हाथ उठा लिए, गीता में लिखा है. लवली गीता टंडन कोटिंग द भगवत गीता, आई लव इट. बट नहीं, बहुत सच बात है, कर्म कर फल की चिंता मत कर. एंड आई थिंक आपने अपनी लाइफ में वो एपिटमाइज किया है. हाँ एंड ये बहुत ही फन कॉन्वर्सेशन है, एंड आई एम श्योर जो भी सुनेंगे, मेन या वेमेन, बहुत इंस्पायर होंगे आपकी कहानी से. बट बिफोर वी लेट यू गो, बहुत ही छोटा सा रैपिड फायर राउंड है. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कोई फिक्शनल कैरेक्टर, बॉलीवुड हो सकता है या हॉलीवुड मूवीज का कोई एक्शन हीरो कैरेक्टर, जो आप बनना चाहेंगे एक दिन रियल लाइफ, वो कौन सा कैरेक्टर होएगा और क्यों? अच्छा सवाल. नायक में अनिल कपूर. और क्यों? क्योंकि मैं बहुत सी चीजें चेंज करना चाहती हूँ. जैसे कि अगर मुझे एक चांस मिलता है, नायक में जो अनिल कपूर को मिला था, मैं फटाफट एक ही काम करने वाली हूँ, हॉस्पिटल सस्ते करने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है. सबसे पहले स्कूल करने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा, जो इंटरनेशनल स्कूल फुकट के पैसे लेती है, लाखों रुपए ना, फुकट के नाम के बच्चे लोग ढीले होते हैं, उसके अंदर चलने भी नहीं होता, उनका बैग भी लिफ्ट में जाता है. स्कूल सस्ता करूंगी,
डॉक्टर जो है वो सस्ता करूंगी, और वो जो तो मिलता ही है औरतों को छुट्टी मिलती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, जो मंथ होता है जो एक दिन पहले दिन की छुट्टी होती है वो, और जितने भी बेरोजगार है ना जिनको सीरियसली काम चाहिए उनका एक वो रखूंगी ऑडिशन, जो 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 टैलेंट का फटाफट वो कंपनी खुल जाएगी, क्योंकि मैं एक दिन में इतना ही कर पाऊंगी यार। हाँ, आप हैं इंडिया की वंडर वुमन, बट अगर आपको भगवान आके बोलते हैं कि एक मैं तुम्हें सुपर पावर दे रहा हूँ, तो आप कौन सी सुपर पावर चाहेंगे और क्यों? मैं सुपर पावर ये चाहूंगी, जो लोग कैंसर, जो लोग बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, उनको एक हाथ रखूं उनके सर पे और वो प्रॉब्लम को ऐसे करके बाहर निकाल लूं। ये पावर मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, बहुत एक शरीर ही होता है इंसान का जो कायम रहता है ना, तो इंसान ऐसी जिंदगी जी सकता है कि माइंड ब्लोइंग। जिस दिन ये एक पूरे शरीर में एक कहीं गुण खराब हो गया ना, जैसे कोई बीमारी, वो इंसान टूट जाता है। बस वो वाला मुझे पावर चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, हुज योर फेवरेट एक्ट्रेस हु यू वर्क्ड विद? बहुत सारी अच्छी है यार, फेवरेट तो करीना मैम ही है। फेवरेट करीना मैम। अच्छा, और हम बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू हम अपने सारे गेस्ट से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये अब हैशटैग बिकॉज शी कैन मूवमेंट बन गया है फॉर सोशल इम्पैक्ट, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हैशटैग बिकॉज शी कैन आपको आपके लिए क्या मायने रखता है? आपका जो ये चैनल है, मैं मायने क्यों मैं क्यों बता रही हूँ बताए, आप लोग जो एक चीज ले लेते हो, और जैसे हम जैसे बहुत है, बहुत आज मेरा टैलेंट पकड़ा है, इसमें से 100 चीजें आई हैं, उसमें से 10 ही काम आ जाए तो लोगों ने अपनी जिंदगी का दौर शायद चेंज कर ले, अपना रहन सहन चेंज कर ले शायद। तो ये प्लेटफॉर्म जो आप लोग ने स्टार्ट किया ना, ये आगे की जनरेशन के लिए शायद कुछ सुन के उनको ऐसा लगे कि मैं पीछे जा रही थी, इनका सुन के मुझे ऐसा लग रहा है मैं अब आगे जाऊंगी। ऐसे बहुत से मुझे फोन आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं फेसबुक पे कि मैम ना मैं बोलूं मैं मरने जा रही थी, ऐसे एक लड़की ने लिखा, मैं क्यों पता नहीं क्या हुआ अचानक आपका एक इंटरव्यू सामने आ गया, जब आपका मैंने देखा ना मैंने सोचा पागल हूं मैं मरने जा रही थी, ऐसा मुझे ऐसी चीजें बहुत से लोगों ने मैसेज की है। तो तुम्हारे जैसे नहीं किसी ने इंटरव्यू लिया ना, तुम लोग अगर ये प्लेटफॉर्म चालू करते हो तो एक अच्छे के लिए ना, क्यों अपना टाइम देते हो, एडिटिंग करते हो, टाइम पैसा लगाते हो, इंटरनेट पे डालते हो, फिर लोग देखते हैं, वो देखो अपना काम है चीजें बताना, समझना नहीं समझना उनकी समझ के ऊपर है। यस, तो आप लोग चलते चले जाओ, जो चीज जिसको समझ आएगी अपनी अपनी जिंदगी चेंज कर लेगा, बट आप लोग आगे चलते जाओ। बट थैंक यू, That is very well said, and यही हमारी कोशिश है कि हम लोगों को and especially women को inspire कर सकें। पर जैसे अगर मैं वापस आपसे पूछूं hashtag because she can, आपकी life में आपको क्या लगता है उसकी significance? Definition. She can मतलब हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी और मैं करके ही रहूँगी, क्योंकि तुम्हारा शी है ना उसमें जो वुमेन, तो मतलब तो यही है ना कि हाँ मैं ही करूंगी भाई और आगे तक मैं ही जाऊंगी और मैं ही जीत के दिखाऊंगी और वो ट्रॉफी का जो हकदार है वो मैं ही हूँ, तो ये है तुम्हारा जो भी है। तो आई लव दिस के शी कैन, यस आई कैन, आई एम फैंटास्टिक, यस यस लव इट बिकॉज गीता कैन, बिकॉज वी कैन, वी कैन। Thank you, Geeta. This has been a wonderful, wonderful, inspiring conversation. Thank you for taking out your time to be on our podcast. Thank you. So, मेरे को बड़ा मजा आया आपसे बात करने में.